रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, यानी हम एक से आगे नंबर बढ़ते जाएंगे, और काउंटिंग कहते हैं गिनना या गिनती करने को। तो फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब है एक से दो, यानी नंबर बढ़ते जा रहे हैं, आगे की तरफ हम चल रहे हैं। तो ये है वन। वन जो है वो एक सेब है, तो एक जो है उसके आगे हम एक और जमा करेंगे, तो एक जमा एक कितना होता है, शाबाश, एक जमा एक दो। और ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दो सेब हैं, तो एक की बजाय दो सेब हो गए हैं, तो इसको टू और दो लिखेंगे। फिर दो में एक जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा, तीन, शाबाश। तो ये क्या है, तीन, तीन सेब हैं। तीन को इंग्लिश में थ्री कहते हैं, उर्दू में तीन कहते हैं। और तीन में एक जमा किए तो कितने बन गए, शाबाश, तीन के बाद आता है चार। आप इनकी काउंटिंग भी कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर। इंग्लिश में चार को फोर कहते हैं, और चार में एक हमने और सेब जमा किया तो कितने हो गए, पांच, शाबाश। तो अब ये देखें, ये हमारे पास पांच सेब हैं, एक दो तीन चार पांच। और पांच के अंदर एक और, शामिल कर लें तो कितने हो जाएंगे, पांच के बाद आता है छः। आप अपनी, आप एक हाथ की पांच उंगलियां आपकी पूरी होंगी, उसमें एक जमा करें तो ये बन गया छः, एक दो तीन चार पाँच छः। फिर आप देखें कि छः के में एक और जमा करें तो क्या बन जाएगा, सात, शाबाश। अब देखें ये काउंट करें कितने सेब हैं, सात को इंग्लिश में सेवन कहते हैं, उर्दू में सात कहते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब सात में एक और जमा करें तो बन जाएगा आठ, और आप ये देखें कि ये आगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सेब हैं। इंग्लिश में एट कहते हैं, और उर्दू में आठ, और हिंसे में ये इस तरह से लिखते हैं। फिर हमने आठ में एक सेब और जमा किया तो कितने हो गए, शाबाश, हमारे पास हो गए नौ सेब। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और नौ के अंदर हमने एक और जमा किया तो ये हमारे पास बन गए पूरे के पूरे दस। तो 10 को इंग्लिश में 10 कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखें हमारे पास पूरे 10 सेब हो गए। और आप इस तरह भी इनको सेब अपने हाथ से बनाएं, एक फिर दो फिर तीन, एक एक ऐड करते जाएं तो आपके पूरे 10 बनते जाएंगे। तो बैकवर्ड कहते हैं पीछे को, और बैकवर्ड काउंटिंग होता है पीछे को गिनती करना। जैसे हमने एक से दस तक की, तो हम अब हम बैकवर्ड में दस से एक तक जाएंगे। तो दस सेब है हमारे पास, वहाँ दस को इंग्लिश में टेन कहते हैं, उर्दू में दस, हिंसे में एक और जीरो लिखते हैं। अगर हम टेन में से वन माइनस करें तो पीछे कितने रह गए, अपने दोनों हाथों की उंगलियों में से एक उंगली बंद कर लें तो पीछे रह गए नौ। ये नौ को नाइन कहते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। हाँ, अब अपनी दोनों उंगलियों को बंद कर लें तो पीछे नाइन में से एक माइनस किया तो पीछे रह गए, शाबाश, एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इंग्लिश में आठ को एट कहते हैं। अब हमने एट में से एक सेब और निकाल लिया तो पीछे कितने रह गए, सेवन, शाबाश। अब देखते हैं ये कौन सा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हमारे पास हो गए सेवन सेब। और सेवन में से सात में से एक और पीछे माइनस कर देंगे, निकाल लें तो पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए हमारे पास सिक्स और छः, छः सेब रह गए हमारे पास। तो छः में से फिर हमने एक और निकाल लिया तो पीछे कितने रह गए, छः में से एक माइनस कर लिया तो पीछे कितने रह गए, शाबाश, फाइव, गुड, वन टू थ्री फोर फाइव। और फाइव में से फिर हमने एक और माइनस कर लिया तो पीछे कितने रह गए, शाबाश। पांच उंगलियों में से एक हाथ में एक अंगूठा बंद कर लें, पीछे काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पे भी हमारे पास फोर, फाइव में से एक सेब माइनस कर लिया, बाकी रह गए फोर। और फिर अगर हम फोर में से एक और माइनस कर लें तो पीछे कितने रह गए, शाबाश, ये काउंट करें, वन टू थ्री, शाबाश। और थ्री में से एक और निकाल लें तो पीछे कितने रह गए, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो टू में से एक और, ये है वन टू, टी डब्ल्यू ओ टू, और उर्दू को में दो कहते हैं।
अब टू में से हमने एक और निकाल लिया तो पीछे कितना रह गया, वन। शाबाश, तो आखिर में हमारे पास वन एप्पल बचा। अल्लाह भी एक, कुरान भी एक, नबी पाक भी एक, हम मुसलमानों को भी एक होना चाहिए। तो ये बन गई हमारी बैकवर्ड काउंटिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं, हुसन के दार से नूरे मुजस्सिम हो जा के इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। हमने अपने पहले सबक में देखा था कि हम में से हर एक के अंदर एक लीडर छुपा हुआ है, हमें अपना अच्छा अखलाक और किरदार बनाना है। ये वीडियो आपकी खिदमत में पाकिस्तान होम स्कूल की तरफ से पेश की गई। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।